जाएगा ये हांडी में, देख सकते अभी हांडी में जा रहा है मटन। ये गर्मा गर्म हांडी मटन देख रहे हैं दोस्तों। ग्राम प्याज जाएगा एक किलो में, 600 ग्राम प्याज डालते हैं एक केजी मटन एक केजी में। अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है और प्याज वगैरह मसाला वगैरह पहले यहाँ हांडी में डला चुका है, चूल्हा तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं इस तरह से सबको, अभी देख सकते हैं किस तरह हांडी मटन चल रहा है और सब ठीक है। देहाती मटन खाना है दोस्तों, खांसी देहाती खांसी खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है, मछली खाना है, तो आइए मैं आप लोग को खिलाता हूँ। ये देख सकते हैं हांडी मटन आपको देखने को मिलेगा, ये हांडी मटन जहाँ चंपारण होटल में आप देखने को मिलेगा, जहाँ बुटी लोकेशन में ये देख सकते हैं होटल, और यहाँ पे बनता है मटन हांडी, जहाँ पे हांडी में बनता है खांसी का मीट दोस्तों। तो आपको खांसी का मीट खाना है वो भी हांडी में, तो आइए मैं खिलाता हूँ दोस्तों। स्वागत है फ्रेंड आप संदीप ब्लॉग्स में। तो देख सकते हैं दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक नया प्लेस, तो अभी हम बुट्टी मोड़ में स्थित हैं और बुट्टी मोड़ में मैं आज आप खिलाने वाला हूँ आज आपको मटन हांडी। जी हाँ दोस्तों, मटन हांडी का जो टेस्ट होता है, जो खांसी का बना होता है एक्चुअली में, वो काफ़ी लाजवाब रहता है। और ये देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं बुट्टी मोड़ के सामने, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक दुकान मिलेगा जहाँ पे मटन हांडी काफ़ी फेमस है यहाँ, और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में यहाँ बनती है और अच्छा बनता है, लाजवाब बनता है। चलिए हम इसको ट्राई करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि वहाँ का मटन हांडी कैसा बनता है दोस्तों। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। और इसका लोकेशन ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे बुट्टी मोड़ आपको देखने को मिलेगा, ये है बुट्टी मोड़, और यहाँ से ही आपको यहाँ पे आपको इस तरह का एरिया देखने को मिलेगा। ये है भैया चंपारण हांडी मटन, जहाँ पे हांडी में मटन बनाया जाता है, देख सकते हैं हांडी वगैरह चढ़ा हुआ है, और ये लोकेशन देख सकते हैं बुट्टी मोड़ का लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी मटन हांडी में ये क्या डाला रहा है भैया, ये गरम मसाला डालेंगे, ये गोटा गरम मसाला है, गोटा गरम में जाएगा, ये गोटा गरम मसाला है, ये गया हांडी में, इसके बाद सूखा मिर्ची दो तीन है गोटा वाला, सूखा मिर्च डालिएगा। हाँ ये देख सकते हैं सूखा मिर्च डाल रहा है, अभी तेजपत्ता डालिएगा, अभी देख सकते हैं ये 600 ग्राम प्याज जाएगा एक किलो में। अच्छा 600 ग्राम प्याज डालते हैं एक केजी मटन में। नमक, ये नमक डालेंगे ना हम लोग का, ये मिक्स मसाला डाल रहा है ना जी, एक केजी के लिए 2 चम्मच आता है, ये मिक्स मसाला सब है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है हाँ जी, सब कश्मीरी मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च है। ये देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा क्वांटिटी में यहाँ हांडी मटन बनता है, ये देख सकते हैं एक हांडी में 1 केजी लेता है और सारा में इस तरह का मसाला डलाया हुआ है, और उसके बाद इसमें डलाएगा मटन दोस्तों। ये देख सकते हैं आपको भारी क्वांटिटी में यहाँ पे देखने को मिलेगा, भरी मिर्ची पिसा हुआ, ये हरी मिर्चा है ना, पिसा हुआ, पिसा हुआ हरी मिर्च डाला रहा है, देखते हैं भैया जी सब में डाल रहे हैं हरी मिर्च और पिसा। ये भैया देख सकते हैं अभी मटन आ चुका है और अभी धुलाएगा मटन, ये देख सकते हैं पूरा अच्छा से फ्रेश होके धुला रहा है, ये देख सकते हैं अभी मटन धोआ चुका है और यहाँ पे हांडी में डला रहा है दोस्तों। तो आज जो मटन हांडी का जो रेसिपी दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी लाजवाब होने वाला है, और ये देख सकते हैं अभी धोआ के इस तरह हांडी में डला रहा है मटन, ये मिक्स कर रहे हैं ना भैया इसको, मिक्स करके फिर वो हांडी में डालिएगा। अच्छा तो देख सकते हैं अभी मसाला वगैरह सारा कुछ मिक्स हो रहा है और ये जाएगा हांडी में, सारा कुछ मसाला डाला मिक्स हो रहा है ये मटन, और प्याज वगैरह मसाला वगैरह पहले यहाँ हांडी में डला चुका है, और देख सकते हैं भैया जी कैसे मिक्स कर रहे हैं इसको बढ़िया से, पहले मटन को धो लेते हैं भैया आप लोग ना। अच्छा ये रहा मटन आपका ना, इसमें धोइएगा, उसके बाद 1-1 केजी का पैकेट है ना, कोई कहता है ना कि तेल मसाला समेत 1 केजी होगा, पूरा 1 केजी का मीट है। अच्छा उसके बाद तेल मसाला आपके सामने देखिए, मसाला है ये 1 केजी मीट है, इसमें सब लोग अभी तक भी नहीं विश्वास करते हैं कि हम लोग हांडी में बनाए, नहीं कढ़ाई में बनाए के हांडी में डाल देते हैं। अच्छा आपके सामने देखिए 30 से 31 हांडी है। अच्छा हमारे पास वो पूरा अभी चढ़ जाएगा हम, और पूरा हांडी में ही बनता है, पूरा हांडी में ही बनता है। ये देख सकते हैं अभी हांडी में जा रहा है मटन, और मटन बनने का प्रोसेस जो देख सकते हैं इस तरह से, और काफी लाजवाब रहता है, पूरा हांडी में ही बनता है। अभी देख सकते हैं एक तरफ जो है हांडी में यहाँ पे मसाला वगैरह डाल के, और बाद फिर
मटन को डाला जा रहा है हांडी में, उसके बाद इसमें चूल्हा में डाला जाएगा दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं भैया जी किस तरह मटन को धो रहे हैं और हांडी में डालेंगे। ये देखिए भाई पूरा हांडी भर जाता है एक केजी मटन में। एक केजी मटन रहता है ना एक हांडी में? एक केजी मटन रहता। अच्छा सब अलग अलग प्लॉथिन में एक एक केजी करके वहीं से लाते हैं ना? दुकान से ही आता है, मालिक खुद जाते हैं कटवाने। अच्छा। सामने कटवा के लाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हांडी मटन जो बनता है जो मटन उसमें देख सकते हैं मिक्स हो रहा है यहाँ पे मसाला और चिकन। देख सकते हैं भैया लोग यहाँ मिक्स कर रहे हैं। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि इधर धो के मटन वगैरह डाल रहे हैं भैया जी, और दूसरा तरफ है कि लोग मिक्स कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर मिक्स हो रहा है। ये देख सकते हैं अभी मिक्स हो रहा है और सब मिक्स होके यहाँ पे हांडी में मटन डलागा दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये देखिए अभी हांडी मटन का जो प्रोसेस है वो बन रहा है दोस्तों। और इतने बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे भैया जी रहते हैं और ये देख सकते हैं इधर मटन धो रहा है। ये बढ़िया से पूरा मटन धो धा के फिर हांडी में डालेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ मटन हांडी अब रेडी हो रहा है दोस्तों, और रेडी हो चुका है। अब भैया जी रेडी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कुछ नंबरिंग कर रहे हैं क्या, उसमें क्या पता चलता है? ये जो नंबर है जो 500 ग्राम का है। अच्छा 500 ग्राम का वो एक केजी का उसका नंबरिंग कर रहे हैं ना भैया? अच्छा, और उनका नाम लिख दिया गया, सब में नाम लिखते हैं ना। इसमें सब में नया नया हांडी रहता है या पुराना भी रहता है कि डेली नया हांडी यूज करते हैं? अच्छा डेली नया हांडी यूज किया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं भैया भी अभी नंबरिंग सिस्टम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन हाफ केजी का, कौन एक केजी का है, कौन दो केजी का है। तेल, ये पका हुआ सरसों का तेल है, अभी तेल डाल रहे हैं ना? हाँ ये एक केजी वाले में जा रहा है। अच्छा एक केजी वाला में इतना सरसों तेल डाल रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी एक केजी वाला में जो प्योर सरसों का तेल हमारा प्योर है ना। हाँ। ये पहले इंजन ऑयल कच्चा तेल नहीं है ना, ये पका हुआ है। टन में यहाँ पे सारा पे तेल जा रहा है। ये देख सकते हैं कड़वा तेल डाल रहे हैं भैया जी, और ये देखिए अभी कड़वा तेल इस तरह डला रहा है, और एक एक टब्बू यहाँ पे कड़वा तेल डाल रहे हैं। मटन हांडी में इस तरह से मटन हांडी तैयार होता है। देख सकते हैं दोस्तों अभी हांडी मटन चढ़ने के लिए इस तरह चूल्हा तैयार किया जा रहा है, और देख सकते हैं जो लकड़ी का कोयला होता है ना उसी पे ये जलाते हैं, और ये देख सकते हैं अभी तैयार हो रहा है दोस्तों। तो अभी हांडी मटन चढ़ना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं अभी हांडी मटन चढ़ना शुरू हो चुका है, और इस तरह का मटन वगैरह यहाँ पे भरा चुका है दोस्तों। और चलिए अभी इसे बनने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं ढकनी ढक रहे हैं, ये ढक्कन है ना भैया, ये ढक्कन ढक रहे हैं देख सकते हैं दोस्तों। अभी देख सकते हैं किस तरह हांडी मटन चल रहा है, और सब में ढक्कन ढका जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे ढक्कन ढका रहा है हांडी मटन में। अभी देख सकते हैं भैया लोग अभी ढक्कन ढक रहे हैं, इसको बाद अच्छा से इसको पैक भी करेंगे। तो दोस्तों अभी हांडी सील हो रहा है, जिसमें यहाँ पे एक केजी और आधा केजी का मटन यहाँ डाला चुका है हांडी मटन में। और ये देख सकते हैं भैया लोग किस तरह पैक कर रहे हैं, जिससे एयर वगैरह ना ले और अच्छा से पक जाए। तो भैया एक दिन में कितना हांडी आप लोग बनाते हैं, कितना हांडी मटन? 30 केजी, अभी देखिए 30 हांडी चढ़ा हुआ, 30 हांडी चढ़ा हुआ ना। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 30 हांडी चढ़ा हुआ है। एक दिन क्या कर रहे हैं? ये अभी सील हो रहा है, एक घंटे के बाद खुलेगा। ये सील हो रहा है, किस चीज से सील करते हैं आप लोग? आटा से। आटा से सील हो रहा है, ये अभी एक घंटे तक अभी बंद रहेगा। अच्छा एक घंटे इसके अंदर पकेगा अभी। अच्छा अपना होटल का एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई चाहेंगे कि अगर रामगढ़ से, बोकारो से, रांची से मंगवाने के लिए तो वो मंगा सकते हैं क्या? हाँ जी, ये बस की सुविधा है, आप बोलेंगे तो बस में हम बना के भिजवा देंगे। कहीं भी धामराद हो, रामगढ़ हो, रांची हो, कोई भी एरिया में, बोकारो तो जा रहा है, बाकी आगे का रहेगा तभी भिजवा देंगे। कहाँ कहाँ पे आप भेजते हैं यहाँ पर मटन? बोकारो, रामगढ़। किस तरह भेजते हैं आप, फोन वगैरह करके की? हाँ पहले नंबर दिया हुआ सब ऑनलाइन। अच्छा। इंटरनेट में भी आता है हम लोग का नंबर। अच्छा हाँ, तो उससे आपको अगर ऑर्डर करेंगे तो आप वहाँ पे भेज दीजिएगा? हाँ पहले वो ऑनलाइन कैश भेज देंगे, हम लोग बस में ही भेज देंगे। अच्छा बस से आप ऑनलाइन मटन भी सेल करते हैं ना? हाँ जी हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से यहाँ पे मटन वगैरह सेल करते हैं भैया जी। तो अभी पैकिंग हो रहा है मटन का, और काफ़ी लाजवाब और टेस्ट रहता है इस मटन का। तो ये रांची से आपको रामगढ़ धनबाद भी अगर जा रहे हैं ना, आप वहाँ भी रह रहे हैं रामगढ़ धनबाद या बोकारो कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको मटन वहाँ पे भेज देंगे बस के द्वारा।
जो बस के द्वारा इस तरह से तो कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज लेते हैं क्या वहाँ भेजने के लिए? जो बस वाला लेगा वही है, बस वाला जो लेगा वही है। हाँ हाँ। और जो मटन का चार्ज है वही क्या है? वो 1200 रुपए एक केजी का है। एक केजी का क्या पड़ता है? 1200 रुपए का। 1200 रुपए का जी। हाफ केजी का 650। 650। मतलब कोई मंगवाता है अगर बस का चार्ज है उसका बस वाला को देना पड़ेगा, आपको हाँ, देना वो, पड़ेगा। वो बस वाले को देगा पैसा। अच्छा, वो बस वाला लेगा। हाँ, जो 18 से है यहाँ पे। 2018 से, मतलब 5-6 साल हो गया आपका यहाँ पे मटन बनाने का। लगभग कितना केजी मटन यहाँ बन जाता है आपका? अभी देखिए आपके सामने 30 केजी का चढ़ा हुआ। ये 30 केजी का डाला हुआ है? हाँ। सब में आधा केजी 1 केजी इस तरह डाला हुआ है ना? हाँ, सब। जो अभी 30 अंडी है, 25 केजी माल है इसमें। ये देख सकते दोस्तों, अभी हांडी खुल रहा है और ये चेकिंग किया जा रहा है कि अभी मटन बना है या नहीं बना है और कितना सिंझा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी सारा सील खुल रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी हांडी मटन का जो है वो ढक्कन खुल चुका है, उसके बाद यहाँ पे मिलाया जा रहा है कि किस तरह का रस्सा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है वो यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। ये गर्मा गर्म हांडी मटन ने देख रहे हैं दोस्तों, अभी सारा कुछ अभी हांडी मटन का जो है उसका ऊपर का ढक्कन खोल के उसके बाद चेक किया जा रहा है कि पका हुआ या नहीं पका हुआ और अच्छा से चलाया जा रहा है कि मसाला अच्छा से मिल जाए और तेल भी अच्छा से मिल जाए दोस्तों और मटन अच्छा सीज जाए, इसीलिए इसको इस तरह से चलाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या डाल रहे हैं भैया? गरम मसाला है। गरम मसाला डाल रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे गरम मसाला डाल रहा है। हांडी सील हो जाएगा, बाद बन जाएगा पूरा। फिर 15-20 मिनट के बाद उतरेगा तो मटन रेडी। मटन रेडी हो जाएगा। ऊपर से देख सकते हैं गरम मसाला डाल रहा है। फिर हांडी को इसको सील करेंगे भैया लोग, उसके बाद फिर बन के भैया रेडी हो जाएगा हांडी मटन। देख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं अभी मिला रहे हैं भैया जी, लकड़ी का जो करछुल है उससे मिलाते हैं, ऐसा नहीं कि लोहा वगैरह स्टील वगैरह का रखे हुए हैं, क्योंकि ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मटन हांडी बन के रेडी होने वाला है। और चलिए फिर से सील होगा हांडी मटन, और देख सकते हैं इस तरह से आटा से गोंद लगा के और इस तरह से यहाँ पे ये देख रहे हैं फिर से यहाँ पे सील हो रहा है और मटका को, और पूरे अच्छी तरह से अब मटन बन चुका है। अब इसको सील होकर 10-15 मिनट के बाद ये मटन रेडी हो जाएगा दोस्तों। अभी ये देख सकते हैं अभी भैया जी पूरा अभी गोली करके और आटा को गोद करके इसको अच्छा तरह से सील पैक कर रहे हैं, क्योंकि भैया अभी क्या पूरा फिर फाइनल कर रहे हैं ना मटन का? हाँ, अभी पूरा फाइनल पे है। मतलब आपका जो मटन बनता है वो इसमें पानी वगैरह मिलाते हैं क्या? नहीं, पानी नहीं मिलाते, बस थोड़ा सा हांडी को वो करने के लिए, मीट को थोड़ा और पकाने के लिए हल्का सा पानी दिया जाता है, हल्का सा। और कस्टमर कोई ऑर्डर पे देता है तो उसके लिए बिल्कुल सूखा रहता, पानी नहीं मिलाते हैं कि उसको जो वो टेस्ट चाहता तो वो मिल जाता। अच्छा, तो बाकी यहाँ थोड़ा खुल के बिकने में थोड़ा पानी वानी हल्का थोड़ा बहुत दिया जाता है तो वो फिर 100% टेस्ट में थोड़ा कम रहता है। पर गारंटी के साथ आप बोल रहे हैं कि मेरा टेस्ट काफी लाजवाब है? हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप एक बार ऑर्डर करिए कि हाँ हमारे को चाहिए पूरा चंपारण का टेस्ट, पूरा हम देंगे 100%। अच्छा, 100%। हाँ, प्योर खांसी रहता है? प्योर खांसी। देहाती रहता है? देहाती रहता है। मटन भी साइज बढ़िया रहता है? मालिक आप मटन के साइज देख चुके हैं, देखेंगे भी, आप जब ब्लॉकर खत्म करेंगे आपको भी चेक कराएंगे कि मटन का साइज क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या है वो सब आपको पता लग ही जाएगा। ओरिजिनल खांसी रहता है ना? मालिक खुद कटवाते हैं जाके सामने। अच्छा, मालिक खुद कटवाते हैं? हाँ, ये नहीं है कि ये देख सकते हैं इनका साइज इस तरह से, ये देखिए जी 50 ग्राम साइज का रहता है। ये देखिए काफी बड़ा बड़ा साइज है, 1 केजी में 18-19 पीस रहता है। इसमें पानी वगैरह नहीं डाला है? ये देखिए अभी पूरा प्योर चंपारण का, अभी 10-15 मिनट में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वो अपना रंग ना कि बंदा ब्यूटी पार्लर रहने के बाद जो निखार का आता है, अभी 10 मिनट के बाद ऐसे हाल होगा इसका। उतार दो। ये देख सकते हो दोस्तों मटन बन के अब रेडी हो चुका है। चलिए निकल रहा है मटन, और क्या लाजवाब मटन बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए मटन का साइज भी काफी बड़ा बड़ा है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है मटन। चलिए भाई जी खा रहे हैं, कैसा लगता है भाई यहाँ का मटन? बहुत अच्छा लगता है। कितना दिन से खा रहे हैं?
हम यहाँ लगभग 2 साल से खा रहे हैं। मटन ही खा रहे हैं ना? सिर्फ मटन, मटन सिर्फ। और मतलब किस टाइप का मटन दोस्तों? यहाँ पे चावल वगैरह सारा कुछ मिलेगा। तो कितना रेंज? चावल भी देख सकते हैं इस तरह का। और थोड़ा दिखाइए भैया मटन का साइज। आदमी को लगता है छोटा छोटा मटन रहता है, लेकिन देखिए मटन का साइज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह का साइज मिलेगा और चावल भी पूरा फ्रेश चावल है और साथ में सलाद भी मिलेगा दोस्तों। चलिए इसे टेस्ट भी करते हैं और बताते हैं आप लोग किस तरह है। देहाती खसी जैसा पूरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर में बैठे खाना खा रहे हैं। तो घर का टेस्ट ही जैसा घर में बनता है ना, उस तरह का यहाँ पे हांडी मटन बना हुआ है। टेस्ट लाजवाब रहा है। अगर आपको यहाँ पे खाना है आपको मटन, हांडी मटन, तो ऑर्डर भी कर सकते हैं और यहाँ आके भी खा सकते हैं। यहाँ डेली खुला रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं कि जहाँ पे ना मटन बनता हो या हमेशा मटन ही बनता है। हांडी मटन यहाँ फेमस है। बुटी मोड़ के आसपास किसी भी पूछेगा कि हांडी मटन कहाँ बनता है, कोई भी आपको बता देगा। जो है यहाँ हांडी मटन का जो टेस्ट है वो काफ़ी लाजवाब है दोस्तों। चलिए इसे अब करते हैं खा के ख़त्म, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया मटन का, काफ़ी टेस्ट है और खाने में भी इसका रेसिपी भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो दोस्तों आपको हांडी मटन कैसा लगा वो जरूर बता दें। और एक बार अगर बुटी मोड़ से क्रॉस कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पर टेस्ट करके देखिए, आपको हांडी मटन का टेस्ट सच में काफ़ी लाजवाब मिलेगा। चलिए वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कभी भी हांडी मटन खाना हो रांची में तो यहाँ एक बार आ खा कर देखिए, सबसे अलग और डिफरेंट यहाँ पे मटन हांडी का टेस्ट लगता है दोस्तों। हर पीस भी काफ़ी बड़ा बड़ा रहता है। तो चलिए इसे खा कर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो जरूर ट्राई कर लीजिएगा खांसी भात जो हांडी में बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।